अपने भारतवर्ष में कुछ ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनको देखने से यह लगता है कि इसकी कारीगरी कैसे की गई होगी। इसी में एक प्रतिमा है जो राजस्थान के एक मंदिर में पाई गई थी, वह माता चामुंडा की प्रतिमा के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि यह प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है और इसका निर्माण उसी काल में हुआ है, लेकिन इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं कि इसमें जो माता चामुंडा है उनके बाल किस तरीके बनाए गए हैं और उनका जो चेहरा है वो एक तरह से कोई मुखौटा लग रहा है, और इसी तरीके उनका जो शरीर है जिसमें हड्डियों का ढांचा दिखाया गया है, मध्य भाग है, वो किसी कवच की तरीके प्रतीत हो रहा है, तथा इनके जो शरीर में प्रत्येक अंग बहुत आराम से उकेरा गया है और उसमें आप नसें देख सकते हैं, सभी प्रकार के चित्रण बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, ये किसी मम्मी की तरीके प्रतीत हो रही हैं। पर आप यह सोच सकते हैं कि 10वीं शताब्दी में बिना किसी मशीन के द्वारा इस तरह की प्रतिमा बनाना संभव है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन कुछ अनुसंधानकर्ताओं की माने तो बिना किसी कुशल मशीनरी के बिना इस तरह की प्रतिमा बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें आप 3D का बिल्कुल देख सकते हैं कि 3D के तरीके कुछ कुछ है प्रतीत होती है और बिल्कुल जीवित लगती है। अब आंखें देख सकते हैं कि आंखें धसी हुई हैं और यह एक मुखौटा के तरीके है कि एक चेहरे पे मुखौटा उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन यह प्रतिमा बनाने का कारण क्या था और इस प्रतिमा के स्वरूप जो है आप इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे जीव नीचे बनाए गए हैं जहाँ देवी विराजमान है उसके नीचे, लेकिन उसमें आप कुछ मानव चित्र भी देख सकते हैं, देवी के पैर देख सकते हैं जो मात्र उनके तलवे के बराबर ही हैं, तो आप उनकी विशालता का भी अनुमान इस प्रतिमा से लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन कारीगरों ने अपने औजारों के द्वारा इस तरह की प्रतिमा निर्माण का सोचा कैसे या निर्माण किया कैसे, जो कि बिल्कुल असंभव है। और इसी तरीके की रहस्यमय चीज़ों से हमारा सनातन धर्म भरा हुआ है और हमारे सनातन धर्म की प्रतिमाएं भी इसी तरीके की हैं जो रहस्यमयी हैं, जिनके रहस्यों को सुलझाने के लिए अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो आते हैं वो भी इसी में उलझ जाते हैं। आज का मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस प्रतिमा माता चामुंडा के दर्शन करा रहा हूँ। आप भी इस प्रतिमा को देखिए और बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है यह प्रतिमा कैसे बनाई गई।